नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं न्यू मारुति सुजुकी अल्टो के बारे में। अल्टो 800 मारुति की एक ऐसी गाड़ी थी जो काफी लंबे अरसे तक बिकी भी, पर लेकिन धीरे धीरे मार्केट में रिवोल्यूशन आता रहा और लोगों का अल्टो 800 से ध्यान हटता रहा। जैसे एस्प्रेसो आ गई, वैगनार आ गई, इन्होंने मार्केट कैप्चर इतना बढ़ा दिया कि अल्टो 800 की फैन फॉलोइंग कम हो गई। अब चलिए उसी गाड़ी के बारे में बात कर लेते कि आने वाली अल्टो या अल्टो का फेसलिफ्ट आपको किस तरह का मिलने वाला है, क्योंकि जल्द ही जैसा मारुति ने 2022 में कहा था कि सभी गाड़ियों के फेसलिफ्ट और सभी गाड़ियों में एक अन्य फ्यूल ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो अन्य फ्यूल तो आपको पता ही है, जैसे पेट्रोल में गाड़ियां थी वैसे अब सीएनजी में मारुति ज्यादा मूव ऑन कर रहा है, क्योंकि सीएनजी एक ऐसा फ्यूल ऑप्शन है जो लोग लेना तो चाहते हैं पर लेकिन कहीं ना कहीं बूट स्पेस की तरफ से, जैसे बूट स्पेस किसी गाड़ी में कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपना मन पीछे हटा लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अल्टो के बारे में। अल्टो एक ऐसा ऑप्शन है जो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ और काफ़ी कम फीचर्स के साथ मारुति ऑफर करती थी। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो आज के टाइम में सबसे सस्ती गाड़ी हो सकती है मारुति की। अगर मैं इसके बेस वेरिएंट की प्राइस की बात करूं, ये एक शोरूम प्राइस है 3,25,000 और टॉप एंड मॉडल की कीमत की बात करूं पेट्रोल में तो 4,33,000, मतलब 5 लाख रुपए में आप गाड़ी घर पर ला सकते हैं। 5 या 4 लाख रुपए में भी आप बेस वेरिएंट घर पर ला सकते हैं, 4 से भी कम में आपको इसका बेस वेरिएंट पड़ जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं ये फेसलिफ्ट के रेंडर्स हैं, कुछ जो लीक हुए हैं इस तरह का जो स्पाई शॉट्स थे उनसे मॉडल बनाया गया है और इसी तरह की आपको न्यू अल्टो देखने को मिलने वाली है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो लेंथ आपको इसमें 3445 mm अभी तक मिलती है, विड्थ आपको 1515 mm की विड्थ मिलती है और हाइट 1475 mm की इसमें हाइट मिल जाती है, जो सच में ही कम है, क्योंकि आज के मुकाबले में इतनी कम हाइट की गाड़ी लोग कम ही पसंद करते हैं क्योंकि जमाना बदल रहा है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो मारुति के सबसे छोटे टायर इसमें आते हैं 145/80 और R12 के। R12 अब किसी भी गाड़ी में नहीं आते सिर्फ अल्टो को छोड़कर। बूट स्पेस भी इसमें नाम मात्र का आता है 177 लीटर। अब जब बूट स्पेस ही इतना कम आता है, सपोज करो अब जब सीएनजी लग जाती है तो बूट स्पेस क्या बचता है, हाल वही होता है जो टाटा की टियागो का हुआ, सेम एज मारुति अल्टो 800 का होता है। अगर मैं इसके मॉडल्स की बात करूँ तो इसमें मारुति सबसे बेस मॉडल देती है स्टैंडर्ड, आपने शायद अभी तक नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड मॉडल में भी आती है और स्टैंडर्ड मॉडल में इसके एसी भी नहीं आपको देखने के लिए मिलता, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ओ एलएक्सआई एलएक्सआई ओ वीएक्सआई वीएक्सआई प्लस। तो देख सकते हैं आप किस तरह के मॉडल मारुति ने इसमें इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, जो सच में ही मुझे लगता है कि बेकार मॉडल है, क्योंकि स्टैंडर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है जिसमें एसी ना आता हो। अब कौन ऐसी गाड़ी लेना चाहेगा जिसमें एसी नहीं आता हो। अब चलिए सीएनजी की तरफ मूव ऑन करते हैं, सीएनजी में देखते हैं। सीएनजी के अगर बेस मॉडल की बात करूँ जिसमें एलएक्सआई में सीएनजी आता है, 4,89,000 बेस मॉडल की कीमत है और एलएक्सआई जो 2 एयरबैग वाला मॉडल आता है वो 4,95,000 का है। तो अब इसमें डिफरेंस की बात करूं तो मैं लगभग 5.5 लाख रुपए तक आप इस गाड़ी को घर ला सकते हैं। अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो पावर फिगर्स भी काफ़ी कम है, क्योंकि इंजन इसमें 800 सीसी का ही है। पेट्रोल में पावर 47 बीएचपी और 69 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और सीएनजी में पावर आपको सिर्फ 40 बीएचपी और टॉर्क 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसीलिए इस गाड़ी की सेल वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। अब सेल को डाउन देखते हुए मारुति अब इसका फेसलिफ्ट लेकर आ रही है, ये न्यू जनरेशन लेकर आ रही है, जिसमें काफ़ी कुछ बदलाव मिलेंगे, बॉडी बदलाव मिलेगा आपको, हेडलाइट बदले हुए मिलेंगे, अंदर का इंटीरियर बदला हुआ मिलेगा और भी काफ़ी कुछ आपको बदला मिलेगा। जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं ये लीक्स कुछ सामने आए हैं रेंडर्स, ये स्पाई जो जितने भी स्पाइड इमेजेस थे उनसे रेंडर्स बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट मॉडल यही होगा, उनसे रेंडर्स बनाए गए हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मॉडल किस तरह के होंगे। जल्दी ही ये गाड़ी आपके सामने इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है अगले 1-2 महीने में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।